नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस आज की चर्चा में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जिसे आप फेमस भी कह सकते हैं या इनफेमस भी कह सकते हैं, नोटोरियस भी कह सकते हैं, कोटा सिंड्रोम के बारे में। इसके ऊपर, कोटा राजस्थान का एक शहर है जहां पर देश भर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बच्चे जाते हैं। वहां पर बड़ी तादाद में हमें आत्महत्या के मामले पिछले कई सालों से सामने आ रहे हैं। और इस साल 2023 में प्रति माह औसतन 3 छात्र या छात्राएं वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। इसे लेकर पूरी देश में चिंता का माहौल भी है। और समस्या ये भी है कि इस ये जो दिक्कत है कोटा में, ये जो कोटा सिंड्रोम है, ये लगातार विकराल होता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं और आत्महत्याओं की घटनाएं भी काफी बड़ी संख्या में बढ़ रही हैं। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे और थोड़ा एक विस्तार से प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल, छात्रों पर जो दबाव पड़ता है, उनके परिजनों को क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनके समाधान क्या हो सकते हैं। क्योंकि समस्याओं के विषय में तो अक्सर लोग चर्चा करते रहते हैं, हम थोड़ा समाधान की तरफ देखेंगे। और हमारे साथ श्री अनीश जी हैं। अनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री अनीश जी जी धर्मशाला आधारित, धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला आधारित साधु संघ नामक एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक आध्यात्मिक संस्था के फाउंडर भी हैं। दुनिया भर में उच्च स्तरीय जो शिक्षा संस्थान है, कॉरपोरेट जगत है, वहां पर उनकी टॉक्स लगातार होती रहती हैं। लेट द मड सेटल नाम से उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है। और कैसे हम भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको जो वर्तमान हमारी समस्याएं हैं या जो वर्तमान चुनौतियां हैं, उस आध्यात्मिक परंपरा का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं इन समस्याओं से निजात पाने में और एक बेहतर जीवन जीने में, उस दृष्टि से श्री अनीश जी की जो टॉक्स हैं वो लगातार यूट्यूब चैनल्स पर भी उपलब्ध रहती हैं। और तो आज हम चर्चा करेंगे श्री अनीश जी से इस विषय में। अनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना धन्यवाद। समय जो है इस चीज के लिए दिया। मैं सबसे पहला चीज ये जानना चाहता हूं कि ये कोटा सिंड्रोम, मैं तो इसे कोटा सिंड्रोम ही कहता हूं, कि इसकी जड़ में क्या है, समस्या की जड़ क्या है? अरुण जी, इसको देखें, जैसे मैंने कहीं पढ़ा कोटा फैक्ट्री के नाम से भी इसको आजकल हम इस पे बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा कारखाने जैसा विषय नहीं है। ये ऐसा विषय नहीं है कि आप एक तरफ से छात्रों को कारखाने में इनपुट करते जाएं और वहां से फिनिश प्रोडक्ट आता जाएगा। कोटा या ऐसे ऐसी जगहें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जो शिक्षा को फैक्ट्री की तरह चलाते हैं। तो शिक्षा कभी फैक्ट्री की तरह तो नहीं चल सकता। अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में देखें, शिक्षा के मूल में मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन के उद्देश्य से जुड़े वैल्यू सिस्टम्स पे बहुत समय बिताया जाता था। हमारे गुरुकुल व्यवस्था में हम बहुत फोकस करते थे, हमारे गुरुजन, हमारे ऋषिजन इस बात पे बहुत फोकस करते थे कि व्यक्ति का विकास होलिस्टिक हो, सिर्फ किसी एक विषय पे नहीं, सिर्फ किसी एक चीज के प्रति नहीं। स्किल सेट बेस्ड एजुकेशन होती थी, बट उसके साथ में हर स्टूडेंट को हम होलिस्टिकली डेवलप किया करते थे। तो मूल में मेरे देखे ये दो इश्यूज आ रहे हैं। एक तो हम होलिस्टिक एजुकेशन भूल गए हैं, हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत स्पेसिफिक एजुकेशन को देख रहे हैं, और दूसरा हमने इसको फैक्ट्री सिंड्रोम बना दिया है। शिक्षा तो मानव जीवन के विस्तार का विषय है, शिक्षा मानसिक बुद्धि के विस्तार का विषय है, हृदय को खोलने का विषय है। मैं कैसे बेहतर व्यक्ति बन पाऊं, शिक्षा इसका विषय है, शिक्षा फैक्ट्री का विषय नहीं है। तो ये मेरे देखे अरुण जी, ये मूल में ये समस्या है। हमारा जो दृष्टि है शिक्षा के प्रति, वो बहुत संकीर्ण हो गई है। और जब भी किसी भी चीज के प्रति हमारी दृष्टि होलिस्टिक की बजाय संकीर्ण होगी, इस तरह की इश्यूज आने लगेंगे। और मेरे देखे कोटा इस पूरी प्रॉब्लम का एक, सिर्फ जैसे आइसबर्ग होता है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बट ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है। ये पूरा शिक्षा पे प्रश्न है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे ये प्रश्न है, ये हमारे समाज की व्यवस्था पे भी एक बड़ा प्रश्न है, और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वी जस्ट के नॉट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी अरुण जी, जी, इस विषय पर तो हम अभी जो आपने बात कही, इस पर थोड़ा
और भी विस्तार से बाद में जो है चर्चा करेंगे, पर जो इमीडिएट, क्योंकि ये एक मूलभूत परिवर्तन हमारी शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक है, और एक जिसे आप कहते हैं कि बिहेवियरल चेंज जो है वो सोसाइटी के लेवल पर भी अपेक्षित है, जिसको कि बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर हम एक इमीडिएट थोड़ा सा रिस्पाइट जो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए या जो लोग इससे सफर कर रहे हैं कोटा में या देश के अन्य ऐसे स्थान जहां पर कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसी तरीके का एक माहौल होता है, जैसे दिल्ली में भी जो देश की राजधानी मुखर्जी नगर है, तो इस तरीके की तो एक एक अजीब किस्म का जो है वो दबाव जो है करेक्ट करेक्ट और एक अजीब किस्म की उदासी और छाई रहती है जो है जब आप उस इलाके में भी निकलते हैं। तो ये जो कोटा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी, कोटा में रहने वाले और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे इस दबाव से छुटकारा पाएं? तो कुछ बातें हैं इस पे अरुण जी। पहला नियम देखते हैं। देखिए, सब कुछ हम जीवन को देखें तो उससे सीख सकते हैं। तो प्रेशर यानी दबाव जीवन का नियम है, ये जीवन के विरुद्ध नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, उदाहरण देके। मानव शरीर में कुछ लीटर खून है, ये खून हमारी नाड़ियों में घूम रहा है 24 घंटे। इस खून का एक सर्टेन दबाव है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ये दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो आदमी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, मगर अगर ये दो दबाव जरूरत से कम हो जाए तो ये हार्ट अटैक देता है। यानी दबाव बढ़ गया तो भी तकलीफ देगा, दबाव कम हो गया तो भी तकलीफ देगा ग्रोथ में। ये एक सर्टेन बैलेंस्ड दबाव जरूरी है। तो ये पहली बात कि दबाव, हम अगेंस्ट ना हो दबाव के, कुछ दबाव जरूरी है हमें हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, पहली बात। दूसरा, हमारी पूरी शिक्षा में, या अभी जब मैं इमीडिएट स्टूडेंट से मिलता हूं, आपने एक उदासी शब्द यूज किया, पूरी शिक्षा में कहीं उत्साह नहीं दिख रहा है। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में एग्जुबरेंस एक शब्द होता है ना, वो एग्जुबरेंस, वो उत्साह नहीं दिख रहा। हाँ, शायद इसके लिए कुछ हद तक शिक्षक यानी टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पूरी व्यवस्था तो है ही, बट टीचर्स पे भी इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। अब आता है इमीडिएट रिस्पाइट की आपने बात की। देखिए, जैसे मैंने बोला, दबाव तो जीवन का नियम है, बट अगर आपको हम ये ही ना सिखाएं कि कौन सा भोजन करने से आपके रक्त का दबाव नियंत्रित रहेगा, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होगा। तो हमें आपको सिखाना होगा कि ये पर्टिकुलर आप भोजन करेंगे, इस तरह की जीवन प्रणाली होगी आपकी, तो आपका दबाव एक सर्टेन रेंज में रहेगा एज एन इमीडिएट रिस्पाइट। आज हमें इन बच्चों को बहुत टारगेटेड वे से, हमें कुछ इनको सेशंस देने चाहिए, कुछ इनके लिए हमें लिखना चाहिए या रेगुलर इनके साथ इंटरेक्शंस होना चाहिए, जहां बहुत फोकस तरीके से हम इनको सिखाएं, इनको बताएं, इनको अंगेज करें एक पॉजिटिव डायलॉग में, और सिखाएं कि इस दबाव को, जीवन के दबाव को कैसे मैनेज करना है। और बहुत सारी विधियां हैं। देखिए, भारत में तो इतनी विधियों पे काम हुआ कि जहां आप दबाव को सिर्फ मैनेज नहीं, नलीफाई भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैं, अगर हम कृष्ण का और गीता का उदाहरण लें, युद्ध की परिस्थिति है, अर्जुन के ऊपर भयंकर दबाव है, हाँ, बट कृष्ण एज ए टीचर उनको एक सेशन दे रहे हैं और उस सेशन में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, दबाव तो जीवन का नियम है, इसको मैनेज कैसे करना है तुमने। करेक्ट। तो उसमें ज्ञान का सहारा लिया यानी कन्वर्सेशन का सहारा लिया, उसमें कुछ विधियों का भी सहारा लिया कृष्ण ने कि अर्जुन तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम इस दबाव को मैनेज कर लोगे, इसको एक्सेस नहीं होने दोगे, इसको जरूरत से ज्यादा नहीं होने दोगे। तो मेरे देखे अरुण जी, हमें बहुत इमीडिएट जरूरत है इस समय ये कि हम इन स्टूडेंट्स के साथ, इन इंस्टीट्यूशंस के साथ अंगेज करें और कुछ विधियां, कुछ टेक्निक्स, कुछ सेशंस के माध्यम से इन स्टूडेंट्स को इक्विप करें कि जीवन के दबाव को पॉजिटिवली कैसे लेना है, सो दैट ये लाइफ नेगेटिव ना बने, ये मुझे जीवन को और सुंदर तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से और उत्साहित तरीके से जीना सिखाओ। हाँ, सो दिस दिस टेक्निक्स, ये विधियां हमें सिखाने की जरूरत है, ये कन्वर्सेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करने की जरूरत है एट एन इमीडिएट लेवल।
जी ऐसी कोई एक ऐसी विधि अगर आप शेयर करना चाहें जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी अगर जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन रहे हो तो उनमें से कोई वो उसको इस्तेमाल करे, और चाहे वो कोई स्क्रिप्चर हो जिसको पढ़ना है, या कोई सांस लेने की विधि, या योग का कोई पर्टिकुलर, तो कोई ऐसी चीज जिससे कि, हालांकि मुझे लगता है कि इस पर हम एक जी विस्तार से अलग से सेशन करेंगे कि क्या क्या विधियां हो हम्म। सकती हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे संघा साधो संघ का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप इस प्रकार की कई विधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध भी है, तो आप वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कुछ कोई ऐसी विधि बताना चाहें, या कोई एक जी क्विक टिप जिसको आप कहते हैं कि। जी जी अरुण जी, मेरा ऑब्जर्वेशन जब मैंने बहुत कुछ छात्रों से बात की या उनका लाइफस्टाइल देखा, तो ये क्लासेस में जाते हैं, उसके बाद आके एक बंद कमरे में बैठ के अपना जो भी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है वो करते हैं। देखिए, यूथ एक ऐसा समय, एक्चुअली पूरी लाइफ एक ऐसा समय है जब आपको अपने शरीर का बहुत उपयोग करना है। क्विक टिप, जैसे मैं दो तीन क्विक चीजों की बात करता हूँ। कभी भी आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो आप दौड़ लगाने चले जाएं। आपके जितना स्ट्रेस बिल्डअप कर लिया आपने यहाँ पे, वो सब पसीने के और सांस तेज लेने के माध्यम से रिलीज हो जाएगा। हाँ, प्रकृति में देखो, हर जानवर अपनी क्षमता के हिसाब से भाग लगाता है या अपने शरीर को एक्टिव रखता है। तो स्टूडेंट्स को नंबर 1 अपने शरीर को बहुत एक्टिव रखना है। वो दौड़ लगाने जाए, वो व्यायाम करें, वो वॉक पे जाएं, वो योग करें, जो सब सुविधा हो। दूसरा, ये सांस के थ्रू आप बड़ा कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ बेसिक सांस की प्रक्रियाएं, आप किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी प्राकृतिक माहौल में बैठ के बस 5 मिनट आप गहरी सांस लेना शुरू करो, लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। हाँ, प्राणायाम की ये बहुत बेसिक विधि है। 5 मिनट में आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो चुका है सिस्टम से और माइंड एकदम फिर से एक्टिव और शार्प हो गया। और जो परीक्षार्थियों के माँ बाप हैं, जो उनके परिजन हैं, भाई बहन हैं, तो वो भी काफी स्ट्रेस के शिकार रहते हैं। और मैंने खास कर देखी है माँ बाप के लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई सलाह मिल जाती है, लेकिन जो उनके भाई बहन हैं खासकर, वो बहुत स्ट्रेस रहते हैं। उनकी तो कहीं कोई भूमिका में चर्चा ही नहीं होती कि क्या वो भी, एक तो उनके ऊपर जो स्ट्रेस है, और क्योंकि वो देखते हैं कि उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो साथ के भाई बहन हैं, तो वो किस तरीके की परिस्थितियों में रह रहे हैं, किस तरीके से बहुत ज्यादा दबाव का सामना कर रहे हैं, और वो उस दबाव को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तो ये एक जो है, तो जो परिजन है उनको भी जो है, मुझे लगता है कि काफी जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की और इन सब चीजों की जरूरत रहती है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या वो अपना भाव रखें, या क्या वो अपनी विधि कर सकते हैं, और कैसे वो अपने बच्चे को ट्रीट करें जो कि इस प्रतियोगी परीक्षा की दौड़ में शामिल है। एक चीज अरुण जी, जो हमने पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, कि फैमिलीज के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया। वो एक दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं, वो केयर करना चाहते हैं, बट ये जो शब्द है ना, वर्बल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम हो गया है फैमिलीज के बीच में। हाँ, टेक्नोलॉजी का भी उसमें एक बड़ा रोल है। ये कम्युनिकेशन को रिवाइव करना होगा। आप कभी भी देखेंगे, जब भी आप चाहे पेरेंट हैं, सिबलिंग हैं या आप स्टूडेंट हैं, जब भी स्ट्रेस ज्यादा है, आप अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठ के जैसे ही आप बात करेंगे उनके साथ, एंड मेक श्योर कि वो बात की टोन पॉजिटिव है। हाँ, उस बात की टोन ऐसी नहीं है, ओ हो, ये तो क्लियर ही नहीं होता, हाँ ये तो सब फेल होते हैं ना, ऐसा टोन नहीं। टोन जो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, जो एक दूसरे को जीवन की सकारात्मक दृष्टि दे जीवन के प्रति। आप देखें, अगर ये बात ही हम करने लगे, ये डायलॉग्स ही हम करने लगे, और भारत की तो परंपरा ही डायलॉग्स की रही है, कन्वर्सेशंस की रही है, तो सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, सिबलिंग का भी और उनके प्रियजनों का भी, पेरेंट्स का भी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। वाणी हमें दी गई, प्रकृति ने हमें वाणी प्रदान की ताकि इस वाणी से हम जुड़ सकें। अगर वाणी को छोड़ दिया, कन्वर्सेशन को छोड़ दिया, तो ये जुड़ाव टूटने लग जाता है। इट नीड्स टू बी रिवाइव बैक। हाँ, बहुत बार मैं परिवारों में देखता हूँ, एक एक झिझक सी है, एक शर्म सी है विषयों पे बात करने के लिए। हाँ, कोई झिझक जैसा है। आई थिंक उस सब को हटा के हम
हमें फिर से एक एक कम्युनिटी की तरह बात करना चाहिए आपस में, और ये बहुत बहुत इफेक्टिव तरीका है ये स्ट्रेस को मैनेज कर लेने के लिए, फॉर एवरीबॉडी आई एम सेइंग। जी जी, और अब हम अंतिम प्रश्न लेंगे। ये पहले प्रश्न का ही एक्सटेंशन जो हमने शुरू में बात की थी कि ओवरऑल आपको क्या लगता है कि हमें जो हमारी जो उच्च शिक्षा है, वैसे तो क्योंकि मैं अभी स्कूली शिक्षा को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कोटा में तरीके से जो है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का, और अभी आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, बाद में स्कूली शिक्षा के विषय में भी चर्चा करेंगे। पर जो उच्च शिक्षा है जिसको हम प्रोफेशनल कॉलेजेस कहते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरीके के, और उसके लिए जितना कॉम्पिटिटिवनेस है, इज इट हेल्दी? और या हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है? और अगर है तो आपको क्या लगता है कि अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो उसमें हमें कितना समय मोटे तौर पर जो है वो लग सकता है इस पूरे ट्रांजिशन के फेज में? जी अरुण जी, देखिए जीवन का नियम प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन है नहीं जीवन का नियम। आप प्रकृति में देखो, सभी वृक्ष की डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं ग्रो करने के लिए। सभी वृक्ष की जड़ों का भूमि के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है, उस जड़ों के नेटवर्क के थ्रू वो एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं। यानी जीवन का नियम कॉम्पिटिशन तो नहीं हुआ। जंगल में, प्रकृति में हर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को सपोर्ट कर रही है मानव को छोड़ के। सो कंपटीशन इज नॉट, ये लाइफ का फॉर्मूला नहीं है कंपटीशन। तो शिक्षा पर अगर आप देखें, आईसीएस शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, इम्पीरियल सिविल सर्विसेज, जो ट्रांजिशन होते होते आज यूपीएससी बन चुका है। ये ब्रिटिशर्स ने क्यों शुरू किया था, हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ताकि एक नौकरों की फौज खड़ी हो जो अंग्रेजी बोलते हों बट शोषण करने में वो तत्पर हों लोगों का। आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, किस एग्जाम में, कौन सी शिक्षा में हम कॉपरेशन सिखा रहे हैं? कौन सी शिक्षा में कॉपरेशन जैसा या इंस्पिरेशन जैसा या मोटिवेशन जैसा या सकारात्मक सब्जेक्ट्स हैं? वो है ही नहीं हमारी शिक्षा नीति में, राइट? यहां बदलाव की जरूरत है। दूसरे जो बदलाव की जरूरत है, देखो अगर वो एक हमने कहानी सुनी थी ना, वो एक खरगोश और कछुए में एक रेस लगती है, वो गलत है कहानी, क्योंकि खरगोश और कछुए में रेस लगनी नहीं चाहिए, फंडामेंटली रॉन्ग है ना। वो दोनों तो, दोनों की वैल्यूज, दोनों की प्रतिभाएं अलग हैं। अब आपकी प्रतिभा हो लेट्स से एक एंटरप्रेन्योर बनने की, आप एक सुंदर व्यापार खड़ा कर सकते हो, आप एक 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 सोशल एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हो, वो प्रतिभा है लेट्स से आपकी, बट आपको हम डाल रहे हैं यूपीएससी में क्योंकि पूरी दुनिया यूपीएससी में भाग रही है। तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते रहें कि इसकी प्रतिभा क्या है। ये टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते रहें कि इनकी प्रतिभा क्या है, और बेस्ड ऑन दिस हम अपनी उच्च शिक्षा की नीतियों में कुछ बदलाव करें। कंपटीशन की जगह इसको बदलना चाहिए कोऑपरेशन से। देखिए जीवन नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। कंपटीशन की टोन ही नकारात्मक है, कोऑपरेशन की टोन सकारात्मक है। और भारत हमेशा से कोऑपरेटिव सोसाइटी रहा है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी नहीं रहा। इसके मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, किसी और दिन इस विषय पे हम गहरी बात करेंगे। बट ये नीतियों में, शिक्षा की नीतियों में ये बदलाव आना चाहिए, और अगर हम इस पे काम करें तो मेरे देखे 5 से 10 साल में ये संभव है, अगर इस पे डट के काम किया जाए, और ये आने वाले भारत की एक नई सुंदर छवि बना देगा। ये शिक्षा तो उसकी जड़ है, तो इस पे तो बहुत ही काम होना चाहिए अरुण जी। जी जी निजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने अंतिम बात कही कि अगले 5 से 10 साल में हो जाएगा, और मुझे ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारत में इसे लेकर जो है वो प्रयोग भी चल रहे हैं और कई सफल प्रयोग भी हो रहे हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी ऐसे प्रयोग के बारे में जानते हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको साधु संघ के साथ जुड़ने का, उसके साथ सहयोग करने का भी लिंक मिलेगा। आप उस पर भी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कि आप श्री अनिश जी के साथ जो है वो चाहेंगे कि चर्चा हो। आप अपने प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं। इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे और जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और तब तक उम्मीद करते हैं कि जो कोटा फैक्ट्री है उससे, या
इस प्रकार के जो सिंड्रोम से जो प्रभावित हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं ले रहे हैं, वो उनके परिजन, उन्हें इस वीडियो से लाभ मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और श्री अनिश जी से चर्चा मैं करें। श्री श्री अनिश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मूल्यवान समय में से इतना समय निकाला और हमें इतना मार्गदर्शन दिया। नमस्कार। नमस्ते अरुण जी, धन्यवाद।